Thank you.
सिद्धि
इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अता फ़ख़्रुल मशाइख़ की
Yeah.
गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ्से गर्म से है गर्मी एहरार, वो हिंद में शर्मा आया है जिल्लत का निगहवान, अल्लाह ने किया जिसको पर वक्त खबरदार। जब लमक पाल है हजरत जिद्र सारी के कारनामे देखे तो उसने ये फिर इशार लिखे, हजरत मुजद्दद सानी हजार साल का मुजद्दद है, हर साल का मुजद्दद होता है। आपका नाम है मुशाद शरा मुशाद, सफा नंबर 302, उसमें हदीस मुजद्दद मौजूद है। और हमारे काम बैठे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हर 100 साल के सिरे पर मुजद्दद पैदा फरमाएगा जो हमारे दीन को ताज़ा करेंगे। जदत का मैंने ताज़ा करना, तजीद करना, या वक़्त के साथ साथ नई नई चीज़ें आ जाती हैं, विदात आ जाती हैं, तो मुझे जो नींद उस दौर जो है उसकी सफाई करनी है, उसको ताज़ा करना है। तो अदरत जदत सारी आलाज ताज़ा मजब है, आपको चारों सलासल से प्यार करता है। जदत सारी किश्ती भी है, काजी भी है, सोवर्ती भी है, नक्शबंदी भी। हजूर नौ से आजम एक दिन मुराकबा के पास फरमाया कि मेरा ये खर्चा जो है मेरे 500 साल बाद हिंद में एक शेख आम बना अल्लाह का भली होगा उसको पहुँचा रहा, वो दीन की खिदमत करेगा। वो सिर्फ चलते चलाते शाह कुमार कहते हैं रामतला लाए के पास पहुँचा। उसके बाद उनके पुते शाह कहते के पास पहुँचा। अब ये हजूर गौस पाक का खर्चा था, तो अपने घर की चीज़ देते हुए आदमी राह चाहता है, तो आपने उसको पेश किया। तो हजूर गौस से आज आपने जाहिर हुए फरमाया कि फौरन मेरा खर्चा उसको बचाओ। हजार रुपये में ये वाक्य लिखा है कि शाह सिकंदर कहती रामतला लाए खर्चा देख के और जदर सारी को फैलाया। तो जदर सारी राम खुला फरमाते हैं कि मैंने मुकाश जो देखा कि जैसे कहवा मेरा को आपका के बारे में मैंने तहकीक किया है।
हजरत मिर्ज़ा रसानी की सही शान पढ़ना चाहते हैं वो दो किताबें नाम पर हजरतुल्मुदस और हजरतुल्कलिमिया। हजरतुल्कलिमिया में जो वाक्य मौजूद है कि अकबर ने दो दरबार सराए, एक बड़ा ही शहाना दरबार, बड़े उसमें तोहफे वगैरह खूबसूरत चीजें उसके ऊपर लिख दिया दरबार है अकबर, और जब एक बिल्कुल खड़े पड़ाने तोहफे इस तरह की चीज़ें दरबारे तो आपने दरबारे हालत देखी तो आपको जलाल आ गया। फरमाते हैं कि जब चीज मेरे कभी के बारे में मैं कोई चीज देखता हूँ तो मेरे लगे भरों में बड़ा कुछ आप गुरबानी पैर उम्र सची कैसे मिला है, लेकिन नस्बी पैर यदि आप हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की औलाद में तो वही आपको जला आ गया, आपने मिट्टी उठाई और दरबारे हफ्ते की तरफ फेंक दी, एकदम आंधी उठी और उनका सारा जो अच्छा सारा बोल्ट हो गया और एक बांस को अकबर के सर पे लगा जिससे वो 7 दिन के बाद वास ले जाना था और उधर दरबारे महामारी को मिट्टी जाना आप जैसे क्या है। उसके बाद सबसे शीर हुआ वो भी अकबर का आधा बेटा था, उसने भी सजने को उसी तरह रवा रखा। अयोध्या सारी ने मकतूबात में एक मकतूब लिखा था, उसमें आपने लिखा कि मेरी रूहानी परवाज हुआ और मैं थोड़ा पाए राजकीय के साथ थोड़ा सा नीचे जाके मेरी रूह बैठ गए, ये सब नहीं रूह इसको महावीर ने एक इल्जाम बना के जहांगीर के सामने पेश किया। जहांगीर ने आपको तलब किया आप चले गए, आपने उसे बिल्कुल सही का नहीं कहा, अस्सलाम वालेकुम कहा तो बैठ गया। जब उसने सवाल किया तो हजरत साहब ने बड़ा अजीब वाला जवाब दिया, आपने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चारों वजीर हैं चारों खुला फायरा की वो हमेशा के लिए आपके साथ, मैं कम तरीन बंदा तो एक लम्हा के लिए गया और फिर वापस आ गया। क्योंकि बादशाह ये ऐसे ही है जैसे मैं अभी आया हूँ और नीचे आपका वो चौकीदार है सबसे होता हुआ आपके पास है, फिर मैं वापस आ जाऊँगा, आपके वजीर तो हमेशा से आपके साथ हैं। यही हालत मौला भाई राजगीर की है, उनकी शान भरा और लगा जागीर से मुतमिन हो गया। लेकिन आसफ जहाँ जो नूर जहाँ का भाई था और दूसरे मुसलक का आदमी था उसने शिकायत कराई थी, उसने कहा देखे जी बादशाह सलामत जदर साहब ने आपको सजदा नहीं किया, ये तो दरबार शाही है कि अदाब नहीं जानते, आपने जंगीर ने जदर साहब रहमत वाला कहा कि आप हजूर थोड़ा सा सर झुका दें मैं सुनने का सजदा हो सकता, आपने कहा नहीं ये गर्दन सवाए अल्लाह के किसी के आगे नहीं झुक सकती। सुभान अल्लाह, अब बादशाह ने इसे अदा का मतलब बना लिया और उसने अपने बड़े पहलवानों को जनरल को कहा कि जद साहब की गर्दन पकड़ के थोड़ी सी झुका रही मैं कहूँगा सजदा होता, उन्होंने पूरी आपने गर्दन पीछे कर ली उन्होंने पूरा जोर लगाया गर्दन आ गया, बादशाह इस पर गुस्से में आ गया, वजीरों ने और तस्वीर सोची कहते हम जद साहब को जो दरवाजा है वहाँ से अंदर लाए सर नीचे होगा हम कहेंगे सहंगा हो गया। तो वली अल्लाह के रूह से देखता है आपने ऐसे किया दरवाजे से पहले पाँव आगे ऐसे बादशाह ने आपको जेल में डाल दिया और आपकी जो रीजेंट थी उनकी बड़ी शान थी, एक तीस जो है वो उड़ के दीवार के ऊपर चला गया, आप क्या नीचे आओ हम इन लोग तेरे खाने नहीं आए, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है और हमारी कोई जलाली हजीत हो, क्योंकि आपके फौज में मरीज भी थे जनरल मोहम्मद खान आपका बड़ा किस्मत था, आपने तबीयत की वो पिशावर का गवर्नर था, जब उन्हें चेतन चला के हमारे पीएम मुर्शिद जहांगीर ने कैद कर दिया तो पिशावर से फौज लेके आ गया,
और दरियाए जेहलम के बाद वहाँ पहुँची कोई लड़ाई पाई या राष्ट्रपति में वाक्य किया रोजा पर मिला भी। अब बाबर खां बड़ा कावल जाना था, वो जा रहा था कि वो रेजी भी जाओ दोनों तरफ।